हेलो गाइस कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सी एच ओ सिलेबस के बारे में मैं इसके इस वीडियो में आपको सिलेबस के बारे में थोड़ा सा रिव्यू बताना चाहूँगी मैं आपको सी एच ओ का रूस के द्वारा दिया हुआ थ्योरी पार्ट के बारे में जल्दी से रिव्यू कर रिव्यू कर देती हूँ जो थ्योरी पार्ट है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है सी एच ओ ट्रिपल जीरो वन जो कि डिवाइड है इनटू फाइव ब्लॉक्स में एंड सी एच ओ ट्रिपल ज़ीरो टू डिवाइड है सेवन ब्लॉक्स में जो फर्स्ट सी एच ओ ट्रिपल जीरो वन कोड का है उसका सब्जेक्ट नेम है फाउंडेशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ वन ट्वेंटी हास्ट का नेक्स्ट है जो आपके सी एच ओ कोड्स अलग अलग दिए गए हैं जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसमें जो ब्लॉक वन है उसका नेम है इंट्रोडक्शन टू पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमॉजी जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सी के अंदर थ्योरी पार्ट में टू पार्ट्स हैं वन और टू तो वन में ब्लॉक फाइव है तो ब्लॉक वन है जो सी एच ओ ट्रिपल ज़ीरो वन है वो कम्प्लीटली रिलेटेड है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से और मैनेजमेंट से ये दो ही सब्जेक्ट जो आपने नर्सिंग बीएससी जीएनएम एमएससी जिसमें भी सब्जेक्ट्स पढ़ रखे हैं ये सारे सी एच ओ ट्रिपल ज़ीरो वन में इंक्लूड हैं ये बस यूनिट्स में डिवाइड कर दिए गए हैं सी एच ओ की ट्रेनिंग के लिए तो आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि आपके वही स्टडी है जो आपने कर रखी है बट आपका थोड़ा सा ये डिस्क्रिप्शन में अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है जो सी एच ओ ट्रिपल ज़ीरो वन है इसके अंदर आप कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और मैनेजमेंट की यूनिट्स इंक्लूड की गई है जो मैं आपको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी तो जो ब्लॉक वन है उसमें इंट्रोडक्शन टू पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमोलॉजी है इसमें कंप्लीटली आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड सब कुछ जुड़ा हुआ है तो जो यूनिट्स डिवाइड हैं जैसे कि कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ हैं हेल्थ केयर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंटल हेल्थ इंट्रोडक्शन टू एपिडेमोलॉजी अप्रोचेज एंड प्रोसेस डेमोग्राफी एंड बी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल इसी तरीके से ब्लॉक सेकेंड न्यूट्रिशन इसमें कम्प्लीटली न्यूट्रिशन के बारे में बताया जाएगा ठीक है जैसे कि इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन न्यूट्रिशन फॉर इन्फेंट चाइल्ड एडलसेंट एंड एल्डरली न्यूट्रिशन डेफिशेंसी डिसऑर्डर एंड फूड बॉन्ड डिजीज इसी तरह ब्लॉक थर्ड आपको कम्युनिकेबल डिजीज एंड मैनेजमेंट अंडर एन एच पी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स जो कम्युनिकेबल डिजीज़ कम्युनिटी के अंदर बहुत ज़्यादा फैल रही हैं उनका कैसे मैनेजमेंट करना है और नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स के अंदर कौन कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज़ इंक्लूड है इन सब के बारे में इसमें बताया जाएगा ठीक है जैसे कि एपिडमोलॉजी क्या है कम्युनिकेबल डिजीज़ का कम्युनिकेबल डिजीज़ वन वैक्टरबॉर्न डिजीज़ क्या है इन्फेक्शस डिजीज़ क्या है जूनोटिक डिजीज़ क्या है एंड कोविड नाइन्टीन जो भी बहुत ज़्यादा चल रहा है इसके बारे में भी इसको इंक्लूड कर दिया गया है ब्लॉक फोर्थ में नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़ एंड मैनेजमेंट आएगा जो कि आपको पता है कि सब जैसे कम्युनिकेबल डिज़ीज़ का कम्युनिटी में क्या है योगदान इस तरीके नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ भी बहुत ज़्यादा कम्युनिटी के अंदर लोग इससे सफ़र कर रहे हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा पहलू है कि हमें आना चाहिए पता होना चाहिए वॉट इज़ एन नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़ कौन कौन सी होती है उनका क्या मैनेजमेंट हम कर सकते हैं एज कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर तो इसमें भी हमें यूनिट वन में एपिडामोलॉजी बताई गई है फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ वन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ टू ऑक्यूपेशनल डिजीज़ मेंटल हेल्थ एंड सब्सटेंस है डिसऑर्डर एंड लास्ट इज़ एल्डरली केयर एंड लास्ट फिफ्थ वन ब्लॉक है कम्युनिकेशन मैनेजमेंट एंड सुपरविजन जो कि मैनेजमेंट का पार्ट है जो कि आप सभी ने पढ़ रखा है जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट दी गई है जो आपको ये बताएगा कि एज अ सी एच ओ आपको लीडरशिप सुपरविजन मॉनिटरिंग कम्युनिकेशन किस तरह करना है ये सब आपको इस यूनिट के अंदर बताया जाएगा यूनिट वन में भीवरेज चेंज कम्युनिकेशन स्किल्स वर्क मैनेजमेंट लीडरशिप सुपरविजन मॉनिटरिंग हेल्थ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फाइनेंशियल मैनेजमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स इस तरीके से ये आपका सी एच ओ ट्रिपल ज़ीरो वन कंप्लीट होता है नेक्स्ट आपका है सी एच ओ ट्रिपल ज़ीरो टू इसका नाम है प्राइमरी हेल्थ केयर इन कॉमन कंडीशंस सब्जेक्ट के नेम से पता चल रहा है कि इसमें सारी कॉमन कंडीशन आएंगी जिसके अंदर हमें सिर्फ प्राइमरी हेल्थ केयर देना है ना कि सेकेंडरी सेकेंडरी अगर पर्सन को लग रहा है कि इसको और ज़्यादा केयर की ज़रूरत है तो आप रेफर कर, कर, रेफरल प्रोसेस होता है लेकिन आपको सिर्फ क्या करना है प्राइमरी हेल्थ केयर देनी है इन कॉमन कंडीशन में इसके अंदर आपके मेनली जो सब्जेक्ट्स इंक्लूड हुए हैं वो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग हुआ है ऑप्स्टेटिक एंड गायनिक हुआ है पीडियाट्रिक है सर्जिकल है ड्रग्स के बारे में है एंड योगा है तो ये सारे ब्लॉक्स इसमें सेवन ब्लॉक्स इंक्लूड हैं तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ जो ब्लॉक वन है वो मैनेजमेंट है कॉमन कंडीशन ऑफ इमरजेंसीज इंक्लूडिंग फर्स्ट एड मतलब सिर्फ ओनली आपको एक कॉमन कंडीशंस बताई गई है उसमें आपको फर्स्ट एड के लिए आप क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं तो कॉमन के डिसऑर्डर्स है जो एम एस एन से रिलेटेड है जैसे कि कॉमन कंडीशन रिलेटेड टू जी सिस्टम कॉमन कंडीशन रिलेटेड टू रेस्पायरेटरी सिस्टम कॉमन कंडीशन रिलेटेड टू हार्ट यूनिटी सिस्टम एंड ब्लड डिसऑर्डर कॉमन कंडीशन आई एंड नोज एंड थ्रॉट फर्स्ट एड इन कॉमन इमरजेंसी कंडीशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट जो ब्लॉक सेकंड है वो ऑब्सटेटिक एंड गायनिक से रिलेटेड आएगा जिसमें कम्प्लीटली आपको आर एम एन सी एच प्लस ए प्रोग्राम के बारे में पता होना चाहिए व्हाट इज़ ई ए एन सी वॉट इज आई एन सी एंड अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट एंड रेफरल ऑफ कॉम्प्लिकेशन एंड पोस्टमार्टम केयर के बारे में आपको पता होना चाहिए जो ब्लॉक थर्ड है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड एडलसेंट हेल्थ गायनिक पोर्शन को इंक्लूड करता है मतलब गायनोकोलॉजिकल कंडीशंस के बारे में आएगा फैमिली प्लानिंग मेथड क्या होती है एमटीपी क्या होता है एमटीपी एक्ट क्या होता है ठीक है काउंसलिंग कैसे की जाती है मैनेजमेंट ऑफ टीनेज प्रेगनेंसी जो ब्लॉक फोर्थ है वो पीडियाट्रिक चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का कंप्लीट इसमें ब्लॉक में यूनिट्स दी गई हैं जैसे इसेंशियल केयर क्या होती है न्यूबॉर्न की मैनेजमेंट ऑफ कॉमन यूनिटल का क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स के अंदर हम क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं आई एम एन सी आई के बारे में बताएंगे इंट्रोडक्शन टू राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम क्या होता है एंड मेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ यू आई पी यू यूनिवर्सल इम्युनाइजेशन प्रोग्राम इसके बारे में आपको कम्प्लीट नॉलेज इसमें मिलेगी एंड ब्लॉक फाइव ब्लॉक फाइव है जो सर्जिकल कंडीशन क्योंकि हमने मेडिकल कंडीशन के लिए तो नॉर्मल ट्रीटमेंट दे दिया लेकिन कुछ कॉमन सर्जिकल कंडीशन के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए तो इसमें इस यूनिट में कंप्लीट आपको डिफाइन पढ़ाया जाएगा जैसे कॉमन सर्जिकल कंडीशन वन कॉमन सर्जिकल कंडीशन सेकेंड कॉन्जिनेटल मार्कफॉर्मेशन स्क्रीन ऑफ कॉमन कैंसर्स कुछ कैंसर्स के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए और लास्ट है लास्ट ब्लॉक सिक्स जो कि है इसेंशियल ड्रग्स आप एज मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर्स और सी एच ओ की तरफ वर्क करेंगे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आप कोई कुछ ड्रग्स के बारे में अच्छे से स्टडी करनी होगी इसके अंदर ताकि आपको उसका एक्शन रिएक्शन साइड इफेक्ट रोल्स इनके बारे में पता हो कि आप जो भी मेडिसिन पेशेंट को दे रहे हैं उसका रोल क्या है उसका फंक्शन क्या है उसका एक्शन क्या है पेशेंट पे क्या रिएक्ट कर सकता है और उसका क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तो इन सभी के लिए आपको ये यूनिट दी गई ताकि आप इस यूनिट में पढ़कर अच्छे से इन ड्रग्स की नॉलेज ले सकें ब्लॉक सेवन थे अंदर है क्वालिटी एश्योरेंट्स इन योगा आपको जैसे पता है कि अभी कोविड के अंदर कोई भी मेडिसिन कुछ भी काम नहीं करी थी लेकिन नेचुरोपैथी होम्योपैथी एंड योगा इन्हीं की वजह से कोविड को कई पेशेंट्स ने हराया है तो योगा भी एक बहुत बड़ी है हैं इसके बारे में भी आपको एक्सप्लेन किया जाएगा इस तरीके से आपका कम्युनिटी के अंदर थ्योरी पार्ट कवर करता है आई uh, होप आपको ये समझ में आया होगा अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू फ्रेंड्स